हाँ, हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई, लाइट टू मॉडरेट बारिश रही और कुछ एक जगह पे हैवी बारिश भी रिकॉर्ड किया गया। शिमला सिटी में जो बारिश है वो हैवी रही, 82.6 मिलीमीटर बारिश जो है पिछले 24 घंटों में जो रिकॉर्ड की गई। और साथ में यहाँ शिमला में सिटी में ओलावृष्टि भी काफ़ी जो हुई है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू था वहाँ पे भी अच्छी बारिश हुई है, स्नोफॉल भी हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो कुल्लू में कोठी में 87.7 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसमें 3 सेंटीमीटर स्नोफॉल भी था। जो स्नोफॉल है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला के हाई रिचेज वाला एरिया और साथ में किन्नौर, लाहौल स्पीति का इलाका और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वाले इलाके हैं। और साथ में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक जो हाई रिचेज वाला एरिया है वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल रिकॉर्ड हुआ है। जो कल्पा है वहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और किलोंग में 18 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ। लेकिन जो हाई रिचेज वाला एरिया था वहाँ पे जो जो स्नोफॉल है वो हैवी स्नोफॉल भी जो हुआ है। तो बाकी जो बारिश है वो सभी जगह, लगभग सभी जगह बारिश रही, लाइट टू मॉडरेट रही और कुछ एक जगह पे ज़्यादा हैवी बारिश भी हुई है। जो फोरकास्ट है वो आज और कल के लिए है। आज भी हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस एरिया है वहाँ बारिश हो सकती है और साथ में जो आज भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कुछ एक जगह हिल स्टॉर्म हो सकता है। और कल जो है वो बारिश एक दो स्थानों पे रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी और उसके बाद मौसम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी जो बारिश हुई है इससे टेम्परेचर में भी काफ़ी जो गिरावट रही है। आज शिमला का जो तापमान है वो 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद जो कल्पा है वहाँ का तापमान भी काफ़ी कम रहा। तो जो शिमला में अभी जो स्नो बारिश हुई है, जो प्रेसिपिटेशन टोटल रिकॉर्ड की गई है 83 मीटर, ये एक तरह सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले 79 में 111 मिलीमीटर जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद जो है ये सेकंड हाईएस्ट जो है वो 79 के बाद में, लगभग जो 42 साल के बाद जो है वो दोबारा से जो इतनी बारिश हुई है। बारिश की बात करें जैसे फरवरी और मार्च को ड्राई चल रहा था, तो क्या इसकी फसल हाँ बिल्कुल, अभी जो पिछले दिनों में मतलब जो थे जनवरी फरवरी मार्च का महीना था, इसमें काफ़ी प्रेसिपिटेशन में कमी रही थी। तो वो इस बार जो अप्रैल में काफ़ी इसमें जो इम्प्रूव जो कमी है वो पूरी होगी, क्योंकि अभी जो बारिश है अप्रैल के महीने की वो एक्सेस में चल रही है। तो अभी आने वाले जो दिन है इसमें भी बारिश की जो है प्रॉबिलिटी रहेगी। और अभी जैसे मैंने बताया था शिमला का जो है वो पहले 79 में जो हाईएस्ट रही थी 111 मिलीमीटर, तो उसके बाद जो है अभी जो 83 मिलीमीटर बारिश जो है वो अपने 2021 में हुई है। तो लगभग 22 साल के बाद जो है इतनी, सॉरी 42 42 ईयर्स के बाद इतनी ज़्यादा जो बारिश हुई है। तापमान में भी काफ़ी गिरावट रही, जैसे कि शिमला का मिनिमम तापमान ही है वो 14 15 डिग्री चल रहा था, तो अभी आज 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कम से कम 10 डिग्री जो तापमान में जो गिरावट रही पिछले दो एक दो दिन में। तो इसी तरह जो दिन के तापमान थे उसमें भी काफ़ी गिरावट रही, कम से कम 8 से लेकर 10 डिग्री तक तापमान जो है वो उनमें गिरावट दर्ज की गई। अभी आने वाले जो दिन है इसमें जो आज वेदर रहेगा, आज हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस एरिया है इसमें बारिश हो सकती है, ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लाइट स्नोफॉल होगी। और जो कल मौसम जो है ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा WD का, एक दो स्थानों पर बारिश होगी या स्नोफॉल होगी और उसके बाद वेदर जो है वो क्लियर हो जाएगा।